हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम कम्युनिकेशन स्किल के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यह कम्युनिकेशन स्किल का थर्ड वीडियो है, ठीक है। दैट इज यूजफुल फॉर यू टू नो योर सेल्फ एंड अदर ऑल्सो। अब यहाँ पे आप देखेंगे बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बैरियर का मतलब क्या? अवरोध, रोकाव। क्या होता है गाइस? जो आपके आपको कम्युनिकेशन करने में क्या करता है? बाधा बनता है, ठीक है। क्या बनता है? बाधा बनता है आपको इंट्रैक्शन विद अदर, इंट्रैक्शन विद ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ योर लाइफ। तो क्या है? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या होता है वह? हमें क्या है? खुद पे भरोसा नहीं। यू हैव नो मच कॉन्फिडेंस टू नो अदर एंड इंटरेक्ट विद अदर। सो यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस, यू मस्ट कॉन्फिडेंट टू नो योर एंड इंटरेक्ट अदर। तो क्या है उसके बाद? वॉइस क्वालिटी। वॉइस क्वालिटी जो आपका है वह कितना आपके पास होना चाहिए? के आसपास आपका होना चाहिए। वॉइस क्वालिटी कितना होना चाहिए? 130 वर्ड पर मिनट। हम लोग क्या है अक्सर 360 वर्ड पर मिनट बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन के बैरियर में क्या है वह बाधा बन जाता है। तो आपके पास वॉइस क्वालिटी कितना होना चाहिए? 130 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद वेन्यू आपका इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, जगह अच्छा नहीं मिला तो हम इंट्रैक्शन नहीं कर पाए अच्छा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। यू कैन चेंज एवरीथिंग अराउंड ईच एंड एवरी प्लेस, पर्सन, एनीथिंग। आप धरती के सबसे स्ट्रेंज आदमी हैं जो किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। सिर्फ आपके वजह से आप अपने आप को ही नहीं बदल सकते हैं, आप जितना आपके आस पड़ोस में उसको बदल सकते हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या है? इफेक्ट ऑफ नॉइज। हम लोग बोलते हैं अरे आवाज़ हो रही थी जिसके कारण मैं अच्छा नहीं कर पाया। जैसे इंटरव्यूअर में इंटरव्यू होती है तो वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं क्या है वॉइस क्वालिटी मेरा उसका बहुत अच्छा क्वालिटी था बट मेरा नहीं था जिसका मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने आप को बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कैन चेंज ईच एंड एवरीथिंग सच एज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, वॉइस क्वालिटी, वेन्यू, इफेक्ट ऑफ नॉइज। ओके, अब नॉइज का इफेक्ट सर नहीं, आपको क्या मतलब है? आप यह सोचे कि आई एम स्पीकिंग समथिंग टू अदर दैट इज करेक्ट। अब ऐसा नहीं कि गलत भी बोल रहे हैं, समझे कि गलत सही बोल रहे हैं, इट्स नॉट गुड। वेन यू आर करेक्ट, when you are in positive way, then you go without any problem. You don't think about other, what is other saying to me. दूसरा क्या कह रहा है? Don't think. Only you think I am the best. You are the hero of your life. So you do each and everything self-confidence. उसके बाद क्या है? टेम्परेचर इन द रूम। बोलते हैं बहुत गर्मी थी जिसके कारण क्या मैं घबरा गया, पसीना आ रहा था जिसके कारण क्या वॉइस क्वालिटी खराब हो गया, मेरा इंटरव्यू खराब हो गया। यू डोंट थिंक दिस टाइप ऑफ दैट। आप किसी भी माहौल को उस माहौल में बदलना, बोला ही जाता है क्या कि हम किसी भी माहौल को बदल ले, दूसरा को बदलने के बारे में ना सोचे, क्योंकि दूसरा को बदलना इतना आसान काम नहीं होता। हम उस माहौल में बदल सकते हैं क्योंकि आप स्ट्रेंथ पर्सन ऑन द अर्थ। सो यू कैन चेंज ईच एंड एवरी। आई डोंट से दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ माय इंटरव्यू, दिस इज द प्रॉब्लम, सो आई डोंट फेस माय इंटरव्यू। तो ऐसे ऐसे आप चीज जिसको हम लोग बोलते हैं बहाना बनाना, अपने क्वालिटी ना रहने के कारण किसी दूसरे पे थोप देना कि उसके कान मेरा खराब चला गया, यू डोंट डू दिस। उसके बाद क्या है? टेम्परेचर ऑफ द रूम, वो छोड़ दीजिए आप। एक्सटर्नल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन एनवायरमेंट, जो हमारे कम्युनिकेशन में हमारा यू नो वेल कि हम कम्युनिकेशन जो भी लैंग्वेजेस है और हम जो भी कम्युनिकेशन का काम करते हैं, इंट्रैक्शन का काम करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा फैमिली होता है।
क्योंकि हम कम्युनिकेशन करने का काम अपने फैमिली से करते हैं, फैमिली पर निर्भर करता है कि आप कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, देन आफ्टर इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है, मतलब आपके पड़ोसन, आपके पड़ोसी कैसा है, आपके फ्रेंड सर्कल, आपका कंपनी कैसा है, इस पे हमारा क्या है कम्युनिकेशन निर्भर करता है। तो अगर आप अच्छे गांव में नहीं रहते हैं, आपके पड़ोस में अच्छे लोग नहीं हैं, तो आप मोटिवेशनल वीडियो देख के आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं योर सेल्फ। हम दूसरे को क्या कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट मेरा खराब हुई जिसके कारण मैं मेरा कुछ नहीं हो पाया? नो, आप इन्वायरमेंट को दोष ना दे, अपने कंपनी को ना दोष दे, आप जैसा होंगे फ्रेंड वैसा निश्चित मिल जाता है। अगर आप अगर आप शराब पीते हैं तो शराब वाला से दोस्ती ऑटोमेटिक हो जाता है, अगर कोई खैनी खाता है तो खैनी खाने वाला से दोस्ती हो ही जाता है, अगर कोई दूध पीने वाला आदमी है अगर उसको शराब पीने वाला से दोस्ती हो सकता है? कभी नहीं होता है। तो आप जैसा है वैसा सामने वाला खुद मिलता है, बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो आप पॉजिटिव में रहिए, पॉजिटिव वाला लोग आदमी आप खुद जुड़ेगा। ओके, तो इन्वायरमेंट क्या है, आप खुद पे ही इन्वायरमेंट बना सकते हैं, इसे रिलेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ। और इन्वायरमेंट को बनाने का क्या है मोटिवेशन, जैसे आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का कम्युनिकेशन बहुत लो स्टैंडर्ड का है, तो मोटिवेशनल वीडियो देखिए, बहुत सारे संदीप महेश्वरी हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में हैं, आप बहुत सारे फिल्म देखते हैं, वीडियो देखते हैं, बट यू वॉच अ मोटिवेशनल वीडियो पर डे टू मोटिवेट योर सेल्फ टू गेट गुड रिजल्ट्स। ओके, उसके बाद क्या है, एक्सटर्नल बैरियर क्या हो जाता है, हम अपने स्टेटस के अनुसार अपने सामने वाले से बात करना पसंद करते हैं, इट्स नॉट गुड। हमको कम्युनिकेशन करना है तो हम सामने वाले के लेवल को क्यों देखें? कम्युनिकेशन अदर पीपल, यहाँ पे आप देखेंगे एजुकेशन, अभी हम ना सोचे कि सामने वाला कम पढ़ा है तो हम अपने लेवल वाले से बात करेंगे, अपने स्टेटस नहीं देखेंगे कि हम फोर व्हीलर में चल रहे हैं तो उसी लेवल वाले लोगों से बात करेंगे, ऐसा नहीं होता है जिंदगी में, ऐसा किसी को नहीं मिलता है कि जैसा हम है वैसा ही स्टेटस वाला मिलेगा तो हम वैसा काम शुरू करेंगे। आप कहीं भी ये जो बैरियर एक्सटर्नल बैरियर है उसको आप, ये दो को तो आप पर निर्भर करता है 100%, इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल जो बैरियर है उसको आप इजिली समाप्त कर सकते हैं टू डेवलप योर सेंस, अपने ह्यूमन सेंस को डेवलप करके ये दोनों को इजिली आप समाप्त कर सकते हैं। ये तो डे बाय डे दिस जो है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हम जैसे जैसे जिस माहौल में रहते हैं वह डे बाय डे डेवलप करता है, बट इट कैन बी चेंज्ड इजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए आपका क्या है, कम्युनिकेशन का काइंड्स है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कितने काइंड्स के होते हैं, तो इट इज रिटन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मेनली ये क्या है दो प्रकार का होता है, क्या, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। और वर्बल में क्या है, अलग अलग इसमें प्रकार है, क्या है, एक रिटन है, नाम से आपको पता चल रहा है, ओरल है, विजुअल है, जो वीडियो हम लोग देखते हैं वीडियो उसी से बना विजुअल। तो आपका क्या है, ए नॉर्मल नॉन वर्बल और वर्बल, आप अगर जनरल कंपटीशन के बंदे होंगे और मैथ आप पढ़े होंगे तो वर्बल मैथ और नॉन वर्बल मैथ के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। बट हियर देखिए, कम्युनिकेट करने के लिए द मेथड यूज टू कम्युनिकेट कैन टेक थ्री फॉर्म्स, इसका तीन हो सकता है, क्या, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटेन। लेकिन वर्बल जो है उसमें कैसे कैसे हम बात करेंगे, तो क्या है, हमारा फेस टू फेस बात हो सकता है, टेलीफोनिक हो सकता है, ठीक है, मैसेजिंग होगा, वह तीनों क्या है वर्बल में ही आता है। हम वीडियो शेयर करेंगे वो भी हमारा क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो वीडियो शेयर कर देता हूँ, आप वीडियो देखते हैं, फिर उस पर हम एंड ऑफ द वीडियो हम उस पर डिस्कस करते हैं, यू हैव बैन, यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव नो प्रॉब्लम देन आई विल नॉट डिस्कस। तो आपको क्या है, अलग अलग फॉर्म्स में
होता है। अब जैसे आप देखिए वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। वर्बल जो है, वर्बल कम्युनिकेशन जो वर्बल मैथ आप करते हैं उसमें सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है या स्टेप बाय स्टेप काम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल मैथ। नॉन वर्बल मैथ में फिगर वाला आपको मिलता है, जैसे फिगर आता है, उसके बाद यह फिगर आया, उसके बाद यह फिगर आया, तो ऑप्शन क्वेश्चन मार्क रहेगा या इसमें कौन सा फिगर आएगा, ठीक है। तो सेंस, वहाँ सेंस सिर्फ काम करता है, वहाँ मेथड काम बहुत कम करता है, वहाँ सिर्फ सेंस आपका काम करता है कि यह इतना बाद, इसके बाद यह इतना एंगल गया, फिर इसके बाद कितना एंगल में आएगा, उसके बाद कितना एंगल में आएगा। तो इस हम कम्युनिकेशन में इसको हम लाएंगे, इसका मतलब हुआ क्या कि जब आप बोलेंगे बोलेंगे लिखेंगे सुनेंगे देखेंगे वो सब वर्बल हो गए। नॉन वर्बल में क्या है, व्हेन यू इंटरैक्ट विद पर्सन, क्या चीज, इशारों में बात करेंगे, नैनो से बात करेंगे, तब वह क्या हो जाएगा, वह नॉन वर्बल में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको वर्बल नॉन वर्बल के बारे में समझ में आया। अब हम लोग वर्बल की बात करेंगे तो हाउ टू इंटरैक्ट इन वर्बली, या हाउ टू इंटरैक्ट वर्बली, तो उसके लिए क्या है आपको, पहला क्या है, फेस टू फेस बात आपकी होगी वर्बल में। जैसा हम इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यूअर रहते हैं सामने में, इंटरव्यू हम लोग हैं, तो इंटरव्यू और इंटरव्यूअर के बीच में इंटरेक्शन होता है, वो फेस टू फेस ही होता है। और देयर मीन्स इन इंटरव्यू आईज पावर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लुक आइज टू आइज, आपको मैं पहले बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। ऑन द मोबाइल फोन और टेलीफोनिक हियर सिंसेरिटी इज नॉट मैटर बट इंटरेक्शन इज मस्ट। वॉइस मेल, जैसे हम क्या है व्हाट्सएप पे चैट नहीं करने का दिल है तो हम लोग क्या है रिकॉर्ड करके भेजते हैं, तो क्या है जस्ट लाइक वॉइस मेल की तरह हो गया। उसके बाद क्या, आंसरिंग मशीन, और हमारा क्या है वो मशीन ही होता है जो क्या है हमारा वॉइस को क्या करता है ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और सेंड करने का काम करता है, कन्वे करने का काम करता है, ठीक है। तो यह वीडियो आपका, इस वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके ग्रुप में और सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं उसे भी यह जानकारी मिले, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।